हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय माइनक्राफ्ट मंडी सीरीज। और यार आज के दिन यार तुम लोगों को पता होगा हमारा मंडी का फुल सीन। और यार मैंने यहाँ पे ये घर अभी किराए पे लिया हुआ है यार, ये फर्स्ट फ्लोर पे हमने लिया, बराबर में ही हमने मंडी लगाई। और यार मैंने काफी सारे चेंजेस किए लास्ट वाली वीडियोज के अलावा, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो यार मैंने टाइम पास के लिए बनाई थी, बट तुम लोगों ने टाइम पास वाली वीडियो में इतना अच्छा, हम लोग चलते हैं यार। तुम लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया पिछली वाली, और इस अपार्टमेंट को भी मैंने लिया है किराए पे रेंट पे, और इसका रेंट भी यार काफी ज्यादा कम नहीं है। इसका रेंट है 30,000 रुपए मंथली यार, मतलब 1,000 रुपए पर डे रेंट है। तो अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से नीचे, और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि कैसी मंडी इस बार हम लोगों ने लगाई है। और यार बाइक मैंने यही तो रात में खड़ी करी थी, ओके ये हाँ खड़ी करी थी मैंने बाइक, तो यार ये बाइक को क्या हुआ? अरे यार कोई ना यार, माइनक्राफ्ट गेम में चलते हैं। और यार मैं आज से रियल लाइफ मोड्स बनाऊंगा माइनक्राफ्ट के ऊपर। तो ये है गाइस हमारी न्यू मंडी, और तुम लोग जैसा कि देख सकते हो, और यार ये थोड़े मॉर्निंग के टाइम हो गया था, गलती मिस्टेक उससे, तो ये सब इग्नोर किया करो यार, थोड़ा इतना भी ध्यान नहीं दिया करो। मैंने 3 बंदों को यार काम पे रखा, तुम लोग देख सकते हो मैंने इतने सारे जानवर भर दिए लाके यार, माशाल्लाह से हमारी मंडी अब तुम लोग जैसे कि चेक कर सकते हो फुल सीन। और यार तुम लोगों को मैंने लास्ट टाइम शायद दिखाया नहीं था कि हमने बकरे भी ले आए भाई। हमने शीप इस बार नहीं रखे, यानी दुम्बे नहीं रखे, इस बार हमने रखे हैं ये वाले बकरे, तुम लोग देख सकते हो। और यार एक छोटा बकरा भी जा दो यार, मैं वो सस्ते में लूंगा। और ये बच्चा भी, बच्चे को भी हमने काम पे रखा हुआ है, और ये भाई को भी हमने काम पे रखा हुआ है। तो कैसे हो भाई? जी मैं ठीक सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी ठीक है। तो ये रहा वो बकरा, इसको हम जो है 10-12 हज़ार में किसी को भी दिखा दे देंगे, मतलब ये हमें चंपू भाई, तुम लोगों को याद ही होगा मैंने ये सारे जानवर चंपू भाई से खरीदे। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ जरा अपने मैनेजर से, मतलब कि यही यहाँ का पूरा ध्यान रख रहा है, पूरे हमारी मंडी को यही संभाल ले अभी, तो मैं जरा इससे बात कर लेता हूँ। ओके, तो अभी हम लोगों ने इससे बात कर ली, और ये कह रहा है यार कि अभी हमें जो है एक बुल को डिलीवर करके आना है यार, और एक बुल और एक गाय को डिलीवर करना है हमें। तो यार ये बहुत बड़े बंगले में डिलीवर करना है, पहले मैं यार वो जगह देख के आ जाता हूँ, क्योंकि हमें जो ये पैदल ही डिलीवर करना है, हमारे पास अभी कोई ऐसा व्हीकल तो है नहीं जिससे हम डिलीवर कर सके। तो पहले मैं, इसने एड्रेस दिया है मुझे, अभी मैं जगह देख के आ जाता हूँ पहले, तो कि हमें कैसी जगह पे इसको डिलीवर कर। तो चलो यार अभी हम लोग बैठते हैं अपनी हायाबुसा में, मस्त हायाबुसा में, मतलब यार कभी कभार वॉइस ओवर में भी गलती हो जाती है। तो अभी हम लोगों को जाना है, और सीधा हमें जाना है अभी यार ऐसे ही लाइन पे आगे को बोल रहा है सबसे कॉर्नर वाला जो बंगलो है वहां पे हमें डिलीवर करना है। और मैं देख ले आया हूँ बस के कितना दूर है यार ये बंगला, और एक जानवर हमें डिलीवर करना है एक विलेज में, मतलब कि गाँव टाइप में। ओके, तो यार ये घर है इस बंदे का, और अभी गेट इसने बंद रखा हुआ है स्पेशली, तो मैं यार डोर बेल बजा के देख। चलो यार हम पहले जानवर ही ले आते हैं, उसके बाद डोर बेल बजा लेंगे। और यार ये कुत्ते भी बहुत हो गए हमारे एरिया में। और चलो यार अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं अपनी मंडी में। ऑल राइट, तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी मंडी में। मैं बाइक यहीं पे खड़ी करता हूँ, और हम यहाँ पे ये जो मैंने बनाया यहाँ पे हम तो इसने बेचा कितने में, और हमें कैश कहाँ से कलेक्ट करना है। तो मैं कहाँ गया? अरे कहाँ गया? ओके वहाँ पे वो, तो उससे मैं बात कर लेता हूँ कि हमें कितने में दिया है ये इसने, और हमें कितना मतलब कि उससे कलेक्ट करना है। राइट गाइस, तो अभी मैंने इससे तो बात कर ली, और ये कह रहे हैं कि यार वो पैसे आपको वहीं पे हैंड टू हैंड दे देंगे। और ये बुल इसने बेचा है 7 लाख का, और ये गाय बेची है इसने, एक गाय बेची है 3 लाख, यानी टोटल 10 लाख रुपए इसने, वैसे बोले थे उसको 13 लाख, लेकिन यार 10 लाख में भी हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है तुम लोग मेरी पिछली वाली वीडियो से पता लगा सकते हो, कि हमने ये बुल गए सिर्फ 50,000 रुपए में खरीदे हैं। तो अभी मैं जो है यार यहाँ से ये निकाल लेता हूँ सबसे पहले, तो यार ये वाली गाय है 1 सेकंड 2 मिनट का। ऑल राइट गाइस, भाई कहाँ जा रही है? इधर आ जा, इधर आ जा। ओके, तो ये गाय हमने पकड़ ये यहाँ से, और अभी हमें इसको लेके जाना है, और काफी ज्यादा आगे जाना है हमें। तो एक गाय है और एक बुल है, आई थिंक ऐसा ही कुछ बोला था बेटा, आजा गाय इधर से निकल तो जाएगी। ओके निकल गई यार, शुक्रिया, मुझे लग रहा था नहीं निकल पाएगी। तो अभी हमें वो बंद करना है, वैसे हमने सारे जानवरों को बांध के रखा हुआ है ताकि यार ये मतलब कि हम गेट वेट खोलते हैं तो ये भागे ना। तो यार अभी ओ गाय बेटा पीछे आ जा, बिला फालतू में इसको मारना पड़ा हमें। तो यार अभी हम लोग फटाफट से और भी जानवर अपने निकाल लेते हैं। ये बुल का मुझे टेंशन हो रही है कि ये यार यहाँ से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, तो यार मैं देख लेता हूँ। यार ऐसे देखती देख के शाम हो गई, तो यार अभी हमें आज के दिन डिलीवर करना है किसी भी हाल में, क्योंकि उस बंदे से हमने जबान करी हुई है कि आज के दिन हम उसको अपने उसके जानवर आई में डिलीवर करके दे देंगे। और अभी यार इसको मैं यहाँ पे बांधता हूँ 2 मिनट के लिए, तो यहाँ पे बन जाओ। ओके, तो ये पकड़ के ही बांधना पड़ेगा, तो मैं इसको अभी यहाँ पे बांध लेता हूँ और एक बुल को खोल लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, अभी हम लोगों ने दोनों बुलों को ले लिया है, और अभी हम लोगों को जाना है फटाफट से उस बंदी के बंगलों पे, और हमें जो है यार काफी टाइम लगने वाला है वहां तक जाने में, क्योंकि यार तुम लोग देख सकते हो हमें पैदल लेके जाना है, और यार आज सुनसान है सिटी पूरी की पूरी। तो ये देख लो यार ये दो है, और यार इसके अच्छे खासे रेट लगाए हैं। और ये बफेलो तो यार मतलब ये बुल जो है खतरनाक वाला, इसको तो यार हमारे बंदे ने यार उसका नाम अच्छा शकूर उसने बताया था, नहीं शकूर यार कुछ चलो उससे वापसी में बता, क्योंकि यार अभी अभी उसने उसको हमें काम पे रखा है। और यार वहां से वो आया है गाँव से, उसके गाँव में भी हमें कल डिलीवरी करने जाना है एक जानवर को। और यार हमें बकरे भी यार फटाफट से निकालने, और भी स्टॉक मंगवाऊंगा अभी, क्योंकि बकरा ईद में तो काफी ज्यादा देने, और ईद के दिन तो हम कसाई भी
बनेंगे। तुम लोग यार मुझे सजेस्ट करो कि यार हमें रियल लाइफ मोड्स पे वीडियो बनानी चाहिए माइनक्राफ्ट में, क्योंकि यार मैंने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करी हुई है माइनक्राफ्ट में अभी आगे फ्यूचर में, तो वो सब तो तुम लोगों को मैं दिखाता रहूँगा आगे कि क्या क्या करेंगे हम लोग अभी। और ये देखो यार कुत्तों से डर लगता है सही में मुझे यार, बहुत कुत्ते हो गए। तो यार ये वाला घर था आई थिंक, नहीं नहीं इसके आगे वाला था बिल्कुल लास्ट वाला घर, तो कोई ना यार हम तो जल्दी से पहुँच ही गए और यही वाला घर है। तो चलो यार मैं डोर बेल बजवा के खुला ले। राइट गाइस, अभी मैंने इस बंदे के जानवर इसको डिलीवर कर दिया और अब 10 स्टैक एमरल अपने ले लिए हैं। देखो 2 स्टैक मैंने अंदर भी रखे हुए हैं। तो बस यार अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं अपनी मंडी में। और यार इस बंदे ने गेट खोला, ये अपना बंद कर लेगा गेट। हम लोग चलते हैं फटाफट से अपनी मंडी पे और यार यहाँ फुटपाथ पे चले तो पता चला कोई हाईवे से स्पीड में 100 की स्पीड में गाड़ी आगे हमें उड़ा दे। तो चलो यार मंडी चल के मैं आप लोगों से बात करता हूँ। और यार हम यहाँ पे एक घर भी देख रहा हूँ, मतलब कि ईद के बाद यार मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक बड़ी से अच्छा बंगला खरीदूँ। तो वो सब तो यार तुम लोग कमेंट में बताते रहो मुझे। और यार ये कैसी फुटपाथ बनी हुई है, अजीब ही यार। तो चलो यार फटाफट से हम लोग चलते हैं पहले अपनी मंडी। और राइट यार गाइस, मैं रात को मंडी नहीं गया था क्योंकि यार काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। हमने यार अभी 24/7 मंडी थोड़े आगे ऑन करेंगे, मतलब कि अभी तो यार अभी हम फटाफट से बंद कर दी थी मैंने रात को मंडी। और अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से और देख लेते हैं यार कि हमारी मंडी क्या सूरत हाल है और ये गेट को क्या। और मैं यार पैदल आ गया था इसलिए मेरी बाइक शायद मंडी में ही खड़ी हुई है, हमारे बंदे देख रहे हैं बाइक को, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो हमारी बाइक जैसे कि मैंने कहा था यहीं पे खड़ी हुई है। और यार कल से हम मंडी की सेटिंग करेंगे। मैं सोच रहा हूँ वो हम अपार्टमेंट छोड़ के यही मंडी में कल से सोना शुरू कर दें। तो तुम लोग यार सजेस्ट करो और फुल नाइट इन मंडी भी हम मनाएंगे अपने दोस्तों के साथ। तो यार आप में से अगर कोई खेलना चाहता हो तो माइनक्राफ्ट 1.16.40 वर्जन डाउनलोड करो यार, तभी आप लोग। क्योंकि एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई मुझे अभी ले लो, तो यार मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि मैं यार पुराने वर्जन में बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि यार न्यू वर्जन में लैग होता है और मैं पॉकेट एडिशन में बनाता हूँ। मैं सही बता देता हूँ, ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखे कैमरा वैमरा, मतलब कुछ गड़बड़ ना हो। तो यार अभी हम टॉपिक से भटक रहे हैं। तो यार तुम लोग जैसे कि देख सकते हो ये पुल जो है कल हम निकाल लिया। और अभी मैं बात कर लेता हूँ अपने मैनेजर से, कहाँ गया भाई मैनेजर बोरा। तो यार अभी इससे बात कर लेता हूँ मैं पहले। ऑल राइट, तो अभी मैंने मैनेजर से बात कर ली और वो कह रहे हैं कि अभी हमें जो कल यानी आज आज ही आई मीन बोल रहा है ये कि हमें नहीं नहीं यार ये कल बोल रहा है कि 27 तारीख को हमें डिलीवर करके आनी है एक ये वाली गाय और एक बकरा और एक यार बुलबुल नहीं है लेकिन ये दो गाय और दो बकरे वो बोल रहा है डिलीवर करके आने हैं। एक हमें जाना है गांव में पहुंचाना है और गांव में ही हमें दोनों जगह पर डिलीवरी करनी है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को भी वैसे ही प्यार दो जैसा तुमने मंडी सीरीज के पहले एपिसोड को दिया। और तुम लोग बताओ यार कि मैं अपनी मंडी सीरीज में क्या चेंजेस करूँ और क्या मतलब के करूँ। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पे पूरे एरियाज को मैं भर दूँ, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो पीछे खाली खाली सा लग रहा है, यह अधूरा है। मैं सोच रहा हूँ सबको भर दूँ। तो तुम लोग यार मुझे कॉमेंट में सजेस्ट करो। और यार ये गाय वगैरह का भी मैंने मोड इंस्टॉल किया हुआ है, अगर तुम्हें मोड के लिंक चाहिए तो तुम मेरे सेकंड चैनल को विजिट करो, उसका लिंक मैं आज तो ज़रूरी डाल दूंगा अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। और अपना अपना ख्याल